सूरज आपे से बाहर है, पारा सातवें आसमान पर है, मानो सब कुछ जला देने पर आमादा हो। इंसान तो एसी कूलर चलाकर गर्मी का मुकाबला कर लेता है, लेकिन जानवरों का क्या? इन बेजुबान जानवरों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। कुछ इलाकों में लोगों ने छांव डालकर और कूलर लगाकर गरों और बाकी जानवरों को राहत देने की कोशिश जरूर की। आने वाले दिन और भी जलाने वाले होंगे, और भी तपाने वाले होंगे। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक, आप सबका फिर स्वागत है मेरे चैनल पर। जैसा कि आपने ट्रेलर और थंबनेल देख चुके होंगे, तो आज हमारा टॉपिक आपको पता चला होगा। तो नहीं पता चला अभी भी तो मैं समझा देता हूँ कि बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं, अभी समर का सीज़न चल रहा है, स्पेशली समर सीज़न में। वैसे तो नॉर्मल टाइम में भी फिशेस मरते हैं, लेकिन समर सीज़न में बहुत सारे ज़्यादा फिशेस मरते हैं। एक फ़िश कीपर को या मछली रखने वालों को, फिर एक एक्वेरियम फिशेस पालने वालों को इससे ज़्यादा कोई दुर्घटना या फ्रस्ट्रेटेड चीज़ नहीं हो सकती कि वो सुबह में उठे और उसकी फ़िशेस जो है फिशेस मरते रहते हैं वन बाई वन। हालांकि सब कुछ आप दिए हो, टेम्परेचर रखे हो, हीटर रखे हो और प्रॉपर फिल्टर रखते हो, पानी चेंजेस करते हो और प्रॉपर फीडिंग भी अच्छी क्वालिटी वाला फूड दे रहे हो, फिर भी फ़िशेस क्यों मर रही है? तो कम्प्लीटली आज हम बात करेंगे क्यों फ़िशेस हर दिन मर रही है, डे बाई डे या कंटिन्यूसली मरती जा रही है फ़िशेस। तो मरने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, तो बहुत सारे रीजंस हैं जो हम वन बाय वन बहुत शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से बात करने की कोशिश करेंगे। मरने के बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन उन लोगों को प्रॉब्लम में फेस होती है जो नए से एक्वेरियम सक रहे हैं, तो उनको ये ज़्यादा प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। तो वो सबसे पहले प्रॉब्लम क्या करते हैं, अनसाइक्लिंग टैंक। तो सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि आपने एक टैंक सेटअप किया, जो भी एक्वेरियम सकते हैं टैंक सेटअप करते हैं, एक हफ्ता भी वेट नहीं करते, विद इन वन वीक के अंदर क्या करते हैं फिशेस को लाकर डाल देते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, अभी नया टैंक सेटअप हुआ रहता है, उसके अंदर प्रॉपर अमोनिया या नाइट्रेट जो हो वो बैलेंस नहीं रहता है, जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होता है फिशेस के लिए वो बैलेंस नहीं रहता, जिसकी वजह से क्या होता है फिशेस को लाकर डाल देते हैं। डालने के एक हफ्ते बाद या एक महीने के अंदर अंदर क्या होते हैं वन बाई वन फिशेस मरना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप जब भी एक्वेरियम रखें, या नए हो या पुराने हो, कोई भी हो, जब एक्वेरियम एक नया सेटअप करते हैं तो एटलीस्ट 3 हफ्ते या 2 हफ्ते वेट करें, प्रॉपर उसको सेटअप करें और उसके अंदर फिल्टर हीटर सब रन करें 24 घंटे के लिए, ताकि जो अमोनिया लेवल हो वो कम हो जाए, नाइट्रेट लेवल सब कुछ होता है वो कम होकर फिशेस के हिसाब का पानी बन जाए। क्योंकि पानी जो है जो नया पानी होता है फिशेस के हिसाब से नहीं रहता है, उसके अंदर बहुत सारे नाइट्रेट होते हैं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो फिशेस को हार्मफुल होते हैं। तो उसको फिशेस के हिसाब से लाने के लिए पानी क्या होता है, उसको साइक्लिंग करना पड़ता है। साइक्लिंग का बहुत सारा प्रोसेस है, उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया, उसमें बताया है कि किस तरह साइक्लिंग करते हैं, क्यों ज़रूरी होती है, यहाँ पर वीडियो आ रहा है, जाकर देख सकते हैं। तो दूसरा रीज़न है बैड वाटर कंडीशन, पानी जो बहुत गंदा रहता है उसको प्रॉपर आप क्लीन नहीं करते या प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं करते, उसके अंदर अमोनिया लेवल, पीएच लेवल सब देखना पड़ता है, टीडीएस लेवल भी देखना पड़ता है, ये सब सारे चीज़ें नहीं देख पाते, ऐसा ही पानी को फिशेस को छोड़ देते हैं, रेगुलर वाटर चेंजेस भी नहीं करते, जिसकी वजह से फिशेस बहुत जल्दी मरना शुरू हो जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अमोनिया मेंटेनेंस करें। अमोनिया के लिए ज़रूरी है कि आप ज़्यादा फीडिंग मत करें, ओवर फीडिंग से प्रॉब्लम होता है। और अनईटन फूड क्या होता है, नीचे जाकर बैठ जाता है, जिसकी वजह से वो अनईटन फूड जो है सड़ने लगता है, गलने लगता है, उसकी वजह से बदबू शुरू हो जाती है, बहुत सारे वॉर्म्स पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिशेस को प्रॉब्लम होती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप एक बॉटम फीडर फिश रखें, जिससे वो अनईटन फूड है वो आकर फिशेस उसको खा लें। यस, वाटर चेंजेस बहुत ज़रूरी है एक्वेरियम के अंदर, क्योंकि वाटर चेंजेस करने से एक्वेरियम का वाटर लेवल जो है वो मेंटेन रहता है, जिसके अंदर अमोनिया होता है, नाइट्रेट होता है, पीएच लेवल होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम उसको कौन नहीं कर पाते और उसको हम देख भी नहीं पाते। पानी चेंजेस करने से हफ्ते में एक बार और महीने में एक बार ग्रेवल साफ करने से क्या होता है, पानी जो है क्लीन और क्लियर रहता है और फिशेस को जो अमोनिया वाटर लेवल फिशेस का और पानी के अंदर जो अमोनिया नाइट्रेट या इस तरह की चीज़ें होती है वो रिसाइकल होती रहती है, लेस होती रहती है पानी चेंजेस करने की वजह से। इसलिए हफ्ते में एक बार पानी चेंज करें, जिसकी वजह से आपकी फिशेस जो है नहीं मरेगी। तो नेक्स्ट रीज़न है फिशेस मरने का स्ट्रेस। जैसा इंसान स्ट्रेस होता है, इंसान थकता है, स्ट्रेस मतलब थक जाना, इंसान भी स्ट्रेस होता है काम करते करते या किसी ना किसी चीज़ से स्ट्रेस हो जाता है, तो इसी तरह फिशेस भी स्ट्रेस हो जाती हैं। फिशेस स्ट्रेस होने के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसा कि साउंड होता है, ज़्यादा साउंड से भी फिशेस जो है स्ट्रेस हो जाती है, और ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, जैसा कि एक्वेरियम के सामने चलना फिरना ज़्यादा हो गया, या कोई बच्चा आके इसको टैप कर रहा है, या कोई उसके सामने डराने की कोशिश कर रहा है, इससे भी फिशेस स्ट्रेस हो जाती हैं। और साथ में कोई फिशेस बुलिंग कर रही है, मतलब उसको डराना कहते हैं जिसे इंग्लिश हिंदी में, मतलब कोई बड़ी फिशेस है जो छोटी फिशेस को डरा के रखी है एक्वेरियम के अंदर, या अग्रेसिव फिशेस है नॉर्मल फिशेस को डरा के रखी है, या मेल ज़्यादा हैं कम फीमेल हैं, मेल ज़्यादा फीमेल को हरासमेंट करते हैं, या मेल ज़्यादा हैं वन बाई वन अटैक करने की कोशिश करते हैं, इस तरह से भी फिशेस जो है
चेस करते करते या भागते भागते एक दूसरे डर कर भी स्ट्रेस में आ जाती हैं। या पानी के, आप पानी के अंदर आप हाथ डाल रहे हो किसी चीज़ को निकालने के लिए, बार बार पानी के अंदर हाथ डालते हो तो उसे भी फिशेज स्ट्रेस में आती है। या ग्रेवल जो है बार बार चेंज करते हो, ग्रेवल को निकालते रहते हो डालते रहते हो, तो इससे भी फिशेज स्ट्रेस हो जाती है। तो इसको अवॉइड करने के लिए ज़रूरी है कि आप ज़्यादा नौसी प्लेस की जगह मत रखिए। यार इतना डिस्टर्बेंस है क्या बताऊँ, एक वीडियो शूट करने के लिए इतना डिस्टर्बेंस होता है। तो इसको स्ट्रेस दूर, फिर दोबारा आ गया। तो स्ट्रेस दूर करने के लिए आप क्या करना है, हाइडिंग प्लेस ज़्यादा ऐड करना है ताकि फिशेस जब स्ट्रेस फील हो तो जाकर अपने आप को छुप कर थोड़ा रिलैक्सेशन फील करें, और प्रॉपर टैंकमेट डालें। टैंकमेट डालने से पहले जाने के कौन सी टैंकमेट सही है आपकी फिशेस के लिए ये देखकर डालें, और ज़्यादा डिस्टर्बेंस की जगह मत रखें। तो इससे थोड़ा रिलैक्सेशन होगा और फिशेस नहीं मरेगी, वरना ये भी एक कारण होता है फिशेस मरने का। तो फिशेस मरने का नेक्स्ट रीज़न है ओवर फीडिंग। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हम लोग जो एक्वेरियम में लाकर रखते हैं फिशेस को, सोचते हैं कि बेचारी भूखी होगी क्योंकि सुबह में ही तो फूड डाला था, और एक बार डाल देते हैं, दोपहर में डाल देते हैं, फिर सोचते हैं हम लोग भी तीन टाइम खाना खाते हैं तो फिशेस को भी तीन टाइम डाल देते हैं। इस तरह करके ज़्यादा फीड कर करके फिशेस को मार देते हैं। ओवर फीडिंग बहुत मुश्किल है क्योंकि फिशेस को अगर वन टाइम भी अगर फीड करें डेली तब भी फिशेस जो है आराम से रह जाएगी। ओवर फीडिंग क्या होता है, फिशेस को अंडाइजेशन हो जाता है या स्विमब्लैडर डिसीज हो जाता है, इस बहुत सारे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से ओवर फीडिंग से फिशेस मर जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप लेस क्वांटिटी में फिट करो, क्वालिटी फूड फिट करो, अच्छी वाला कॉस्टली वाला फूड फिट करो, क्योंकि बहुत सारे लोग टयो का या डिस्कवरी का 20-30 रुपये में 40 रुपये में फूड मिलता है वो लाकर फिट कर देते हैं, जिसकी वजह से फिशेस जो है वो लोकल फूड होता है, उसमें सिर्फ फिशेस का पेट भरता है, उनको जो न्यूट्रिशन होना है, जो उनको प्रोटीन होना है, जो उनके लिए ज़रूरी चीज़ें होती है वो नहीं मिलती। इसलिए क्वालिटी फूड फिट करो, कम क्वांटिटी में फिट करो, डेली वन टाइम दो तब भी चल जाएगा, इससे फिशेस एक्टिव भी रहेगी, हेल्थी भी रहेगी। तो उसके हिसाब से आप सोचो ज़्यादा ओवर फीडिंग करने का क्या फ़ायदा होगा। तो लेस क्वांटिटी में फिट करो, डेली टू टाइम फिट करो, इतना फिट करो कि वो दो मिनट में खाकर ख़त्म कर दे, इतना ही फिट करो। तो नेक्स्ट स्टेप होता है फिशेस मरने का, पानी का क्वालिटी ऑफ लास्ट टाइम हमने बात पहले भी हम बात किए थे पानी का क्वालिटी, लेकिन अब बात करने वाला हूँ पानी की क्वालिटी के अंदर क्या क्या देखना ज़रूरी है। जब भी आप पानी चेंज करो तो एक चीज़ का ध्यान रखो, आप पानी को डीक्लोरीन करके डालना है क्योंकि उसमें क्लोरीन रहता है, बहुत सारे हार्मफुल चीज़ें होते हैं जो फिशेस को अफेक्ट कर सकते हैं। इसलिए आप जब भी पानी चेंज करो एक टब में स्टोर कर लो, उसके अंदर एंटी क्लोरीन वाटर कंडीशनर ऐड कर दो, चार घंटे वेट करो। चार घंटे वेट करने के बाद वो पानी जो है डीक्लोरीन हो जाएगा, उसके बाद में आप एक्वेरियम में डाल सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो डायरेक्ट जो है पानी टैंक के अंदर डाल के उसके अंदर जो है स्ट्रेस कोट करके ये पी का मेडिसिन मिलता है या स्ट्रेस हिल लिक्विड भी मिलता है एक्वारेमेडी का, दोनों में से क्या करना है, एक कैप वो पानी के अंदर डालना है और उसके साथ एंटी क्लोरीन वाटर कंडीशन डालना है। इससे क्या होगा, पानी के अंदर जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं या क्लोरीन होता है वो ख़त्म हो गया, फिशेस पीसफुली रहेगी। वरना धीरे धीरे क्या उसका इफेक्ट होता है, बाद में जाकर फिशेस स्ट्रेस होना शुरू हो जाती है, चार दिन पाँच दिन टाइम लगता है, स्ट्रेस होते होते मर जाती है। और बहुत सारे चीज़ें भी देखना पड़ता है, पानी का TDS लेवल भी देखना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग इसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाते, pH लेवल के ऊपर ध्यान दे पाते हैं और उसके अंदर पानी का अमोनिया लेवल सब देखते हैं, लेकिन TDS भी बहुत इंपॉर्टेंट है। TDS किसे कहते हैं, सॉफ्टनेस और हार्डनेस चेक करना। जितना TDS मतलब टोटल डिजॉल्व सॉलिड बोलते हैं इसको, TDS का फुल फॉर्म होता है। TDS क्या कहते हैं, इसके अंदर जो मिनरल्स होता है या साल्टिनिटी होती है या क्लोरीन क्लोरोमाइन ये सब होते हैं, उसको सबको मिलाकर सॉलिड TDS कहते हैं, जिसके अंदर कुछ की मात्रा कमी हो, जितनी उसकी मात्रा ज़्यादा होगी उतना हार्ड होगा पानी। और मिनिमम TDS जो है 150-300 तक भी फिशेस सर्वाइव कर जाएगी। जो सिचलेट्स होते हैं स्पेशली मलावी सिचलेट्स, वो 300 तक भी TDS संभाल लेंगी, 350 तक भी संभाल लेगी, चल जाएगा। लेकिन जो तो TDS मैंने मीटर लिया है, देखिए TDS मीटर है आपको 250-300 रुपीज़ से एक्वेरियम आपको अमेज़न से मिल जाएगा, ले सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप एक्वेरियम रख रहे हो तो लेना ज़रूरी है। अगर आपकी फिशेज़ बार बार मर रही है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों फिशेज़ मर रही है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। हालांकि pH लेवल भी आता है, वो भी आप देख सकते हो, लेकिन TDS से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। जितना TDS ज़्यादा होगा उतना pH ज़्यादा है, उसका मतलब आप समझ लेना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास टैप वाटर है, जो डायरेक्ट म्यूनसिपालिटी का पानी यूज़ होता है वहाँ पर ये यूज़ किया मैंने। और यहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर जो बिस्लेरी का आता है या आप जो घर पे बॉटल खरीदो 20 लीटर का, वो लिया मैंने। और यहाँ पर जो मेरे फिश टैंक का पानी है वो लिया, यहाँ पर मैंने लिख दिया है। तो TDS जैसा मैंने कहा कि 150-300 तक भी फिशेस के लिए सही है, अगर उससे ज़्यादा चला जाए तो मुश्किल है। हाँ अगर सिचलेट्स हैं तो स्पेशली सिचलेट्स के लिए 350-400 तक भी मैक्सिमम चल जाएगा। अगर अबव 400 अगर कोई फिशेस के लिए है तो इस लाइक फिशेस जो है धीरे धीरे काली पड़ती शुरू हो जाएगी, फिशेस धीरे धीरे स्ट्रेस होना शुरू हो जाएगी और वन बाई वन मरना स्टार्ट हो जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगा। पानी जितना क्वालिटी वन होगा उतना फिशेस के लिए सही होगा। तो TDS मीटर देखो, pH मीटर भी मिलता है, अगर आप pH मीटर ले सकते हो वो भी लो, लेकिन TDS अभी आप मालूम कर सकते हो।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप TDS से लेकर आप PH लेवल मेंटेन कर सकते हो, लेकिन एक बात कह सकता हूँ, जितना TDS ज़्यादा होगा उतना हाई लेवल PH करके आप ये तो एक अंदाज़ा लगा सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको मैं ऑन कर लिया है, मैं तो यहाँ पर देखिए मैं ये टैपोटर में डालता हूँ, तो इसको मैं होल्ड करता हूँ, यहाँ पर होल्ड ऑप्शन है, तो यहाँ पर देख सकते हैं होल्ड करके कितना आ रहा है करके। तो देखिए यहाँ पर आया है 636, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, एक मिनट में दिखाने का 636। तो ये इंसान के लिए भी बहुत मुश्किल है पानी पीना, अगर ये भी इंसान पीता है तो उसके अंदर उसका गलास ख़राब हो जाएगा और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो ये टैप वाटर जो हम गवर्नमेंट से सप्लाई होता है। तो नेक्स्ट यहाँ पर है मिनरल वाटर, जो बिस्लेरी का वाटर होता है या 20 लीटर का आप कैन ख़रीदते हो वो पानी है। तो इसके अंदर मैं डालता हूँ, तो यहाँ पर कितना आ रहा है, तो होल्ड करता हूँ, यहाँ पर होल्ड ऑप्शन है, आप होल्ड कर सकते हो कितना दिखा रहा है करके। तो यहाँ पर देखिए 80 है, 80 बहुत अच्छा है इंसान के लिए, इंसान के लिए बहुत सेफ है, लेकिन फिशेज़ के लिए सेफ़ नहीं है। और TDS डिपेंड भी करता है आपके अंदर, आपके एक्वेरियम में ड्रिप फूड है, रॉक्स है, सॉइल है, प्लांट्स है, तो इससे भी क्या होता है ऑटोमेटिक TDS बढ़ जाता है। अगर इसी पानी के अंदर आप, इसके अंदर जो अगर आप रॉक्स, ड्रिप फूड, प्लांट्स, सॉइल डालते हैं तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, तो जब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट हम फाइनली देख रहे हैं मेरे टैंक का, जो गप्पी फिशेस का टैंक का मैंने लिया हुआ है, तो गप्पी फिशेस का और मेरे जो आरोना का सेम, दोनों भी सेम है, तो उसका देखते हैं कितना TDS है करके। तो होल्ड करता हूँ, देखिए यहाँ पर 288 दिखा रहा है, तो लकीली बहुत मैं लकी हूँ कि 288 दिखा रहा है, बहुत अच्छा है, 300 से अंदर है, तो बहुत बेस्ट है ये TDS फिशेस के लिए। अगर आप भी अपनी फिशेस का TDS मालूम करना चाहते हैं तो इस तरह का एक ले लें, क्योंकि 200 से 300 रुपये तक मिलता है, बहुत कम में मिलता है आपको, बहुत यूज़फुल है। आपकी फ़िशेस, आप सब कुछ रखे हैं फिर भी फ़िशेस मर रहे हैं, तो उसका कारण यही भी हो सकता है कि आपका पानी का TDS लेवल ज़्यादा है। तो देखिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जिसकी वजह से फ़िशेस नहीं मरती, वरना आपके इस चीज़ों का ध्यान नहीं रखें तो आपकी फ़िशेस मर जाती है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो TDS के बारे में नहीं मालूम होगा, तो आप इसको देख लेना, TDS का लेवल का भी चेक करते रहना। मैं ये सब चीज़ों का ध्यान रखता हूँ, जिसकी वजह से मेरी फ़िशेस बहुत कम मरती। तो नेक्स्ट जो है, लास्ट स्टेप हम बात करने वाले हैं टेम्परेचर। ये वीडियो का लास्ट स्टेप है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हॉट भी नहीं होना चाहिए। ये बहुत 30+ चला जाता है, या बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि गर्मी के सीज़न में 34-36 हो रहा है टेम्परेचर। तो अबाउट 30 टेम्परेचर इज़ लाइक स्लोली बॉइलिंग योर फिशेस। अगर आपके टैंक का टेम्परेचर 36 है, 38 है, तो आप समझ लो कि आप धीरे धीरे आपकी फ़िशेस को बॉयल कर रहे हो, तो इसका ध्यान रखो। इसलिए टेम्परेचर ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा कम हो गया, बिलो 12, बिलो 18 चला गया, तो फिशेस धीरे धीरे स्ट्रेस होना चली जाएगी, उसके वाइट स्पॉट हो जाएंगे, ब्लैक स्पॉट हो जाएंगे, और धीरे धीरे इनएक्टिव हो जाएगी, फिशेस मर जाएगी। समर सीज़न चल रहा है तो अभी ज़रूरत नहीं है, दूसरे टाइम पे बोल रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो हमेशा रहने वाला यूट्यूब पे, तो इसलिए बता रहा हूँ। समर के अलावा इस चीज़ों का ध्यान रखें, समर सीज़न में आप हीटर निकाल दो, ज़रूरत नहीं है। समर के अलावा जो है टेम्परेचर का ध्यान रखना, इससे आपकी फ़िशेस नहीं मरेगी। तो ये सारे चीज़ें हैं जो मैंने काउंट किया, इन चीज़ों को देख लेना, वन बाय वन चेक करते हो, कोई भी चीज़ में कमी आ रही है, ज़्यादा आ रही है, तो उसको सॉल्व कर लेना, तो आपकी फ़िशेस नहीं मरेगी, कभी भी नहीं मरेगी। जैसा मैं मेंटेन करता हूँ, मेरी फ़िशेस कभी भी ज़्यादा नहीं मरती, कभी कभी मरती है, बहुत कम मरती है फ़िशेस मेरी, ज़्यादा नहीं मरती है। तो आप भी अपने फ़िशेस को इस तरह मेंटेन कर सकते हो, इन चीज़ों को फॉलोअप कर लो, इन चीज़ों को ध्यान रख लो, तो आपकी फ़िशेस नहीं मरेगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना। फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, जब तक के लिए नमस्ते, गुड बाय, खुदा हाफिज़।